साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। NIOS क्लास 10th सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल आपके लिए लेके आया हूँ मैं, जो कि उर्दू में मिलना मुश्किल है। 212 देखिए इसमें आप किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से आप इसको तैयार करेंगे। सबसे पहला काम जो रहेगा आपका वो मैं बता दूं आपको, तीन चीज़ों का है इसमें। सबसे पहले तबीयत यानी फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री, ठीक है, और फिर है आपका केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी। तो इस तरह से आपके ये 30 तजुर्बे हैं और ये आपको बनाने हैं। और देखिए सबसे पहला काम आप करिएगा कि आप पूरा ऐसे ही लिख दीजिएगा, पहले फहरिस्त पे जो पेज बनेगा, बस सफ़ा नंबर नहीं डालना क्योंकि आपका पेज किस पर आए कौन सी चीज़ वो अलग बात है, लेकिन बनाने ये सारे ही हैं और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। उर्दू में मिलना बहुत मुश्किल है। तजुर्बा वन के अंदर आप जो है तैयार करेंगे, मकासिद लिखेंगे, आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। जिस्म की कीमियत, कसाफत, जिस्म का हजम, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। KG M-3 हम कसाफत की पैमाइश सेंटीमीटर क्यूब में भी करते हैं। इसके बाद ये है, इसके बाद आपको ये तैयार करना है मतलूबा सामान किसी दिए हुए जिस्म ठोस की कीमियत मालूम करना, ठीक है, ये सारी चीज़ आप लिखेंगे। इसके बाद जो है ये पूरा तैयार करेंगे, जिस्म का हजम, वॉल्यूम मालूम करना, ये सारी चीज़ आप। और देखिए पिक्चर्स जो आप बनाएंगे नहीं बल्कि प्रिंट निकलवा लेंगे, साइंस वाले प्रिंट निकलवा लेंगे। इसी तरह ये दूसरा है, इसके अंदर ये आपको लिखना है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही चीज़ों पर बनाएं, मतलब एक तजुर्बे के अंदर, एक प्रैक्टिकल के अंदर ये नहीं कि सभी चीज़ का तजुर्बा करें। चार पांच चीज़ों का तजुर्बा है, आप दो का कर लें, एक का कर लें, अगर टाइम कम है एक का कर लें। ठोस के हजम की पैमाइश, ठोस के मादे की कसाफत, नताइज और ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं, आप यहाँ से ये सारी उतार लें। अब पैमाइश, ठीक है, पैमाइश इस्तवाना तैयार करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तजुर्बा दो, और देखिए तजुर्बा दो जो है इसके अंदर आप यहाँ से ये मकासिद है, आपको क्या मालूम होना चाहिए, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ना शुरू करूँगा तो तकरीबन जो है ये वीडियो 2-2.5 घंटे की बन जाएगी और आप जो है फिर उसमें बस सुनते ही रहेंगे कि इनके क्या बता रहे हैं, क्या है समझ। तो आप इसको ऐसे ही उतार लीजिएगा, इसमें जो है स्टार्ट कहाँ से और मकाम कहाँ से, ए और बी के दरमियान रास्ते पर दौड़ रहा है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं पैमाइश के बारे में। तो आप ये सारी चीज़ें ऐसे ही बना लें जी। जब कोई शख्स दौड़ता हुआ हो तो उसकी चाल इसमें लिख सकते हैं आप तजुर्बे के लिए। नताइज अपनी समझ बूझ चेक कीजिए, ये सब चीज़ें इसमें आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है आगे भी है तजर्बा 3 है, जहाँ से शुरू हो जाता है तजर्बा नंबर 3। तो आप तजर्बा नंबर 3 में भी कर सकते हैं, इसके मकासद लिख लीजिएगा क्या है, आपको जिन बातों का इल्म होना चाहिए वो सारी यहाँ लिखी हुई है, मतलूबा सामान जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो लिख लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। और इसी वैसे आप जो है स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अगर मैं इसके फ़ोटो अपलोड करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आपके पेपर से पहले पहले ये सब मटेरियल आप तक पहुँचा दें, तो सारी चीज़ें आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। तजुर्बा 3 यहाँ ख़त्म हो जाता है, तजुर्बा नंबर 4 यहाँ से शुरू होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से तजुर्बा नंबर 4 शुरू, मतलूबा सामान। और ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं तजुर्बा किस तरह अंजाम दे, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं बहुत अच्छे से, आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी है नतीज दे रखे हैं, अपनी समझ बूझ परखिए, ये सारा दे रखा है,
उसके बाद तजुर्बा नंबर 5 है, बर्फ़ का नुक्ता है गज़ाखत यानी मल्टिंग पॉइंट मालूम करें। तो मल्टिंग पॉइंट इसमें आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हर तजुर्बे में कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो पूछते हैं भाई इस तजुर्बे में अगर हमें करना हो तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ 10-12 मिनट की, ताकि आप पूरा अच्छे से समझ लें कहाँ से आपको करना है। तजर्बा नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या है, सादा आईना यानी प्लेन मिरर इस्तेमाल करके रोशनी का इनकास के कवानीन का मुताला करेंगे। आप तजर्बे की जगह प्रैक्टिकल लिखिएगा, तजर्बा भी लिख सकते हैं, साइंस में तो तजुर्बा होता है ना, इस तरह आप इसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मैंने जो है अपनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, अल्लाह से दुआ है कि आप जो है अच्छे नंबर आज से पास हो जाएँ। आपके लिए तैयार की जा रही है। अब इसके बाद जो है तजुर्बा नंबर 7 है, तजुर्बा नंबर 7, ठीक है। किसी महब्बे आदि यानी कॉन्वेक्स लाइन के सामने रखी हुई असल से मोमबत्ती के मकाम को तब्दील करते हुए उसकी शबिया के मकाम और साइज़ में वाक़ तब्दीली का मुताला करेंगे। मकासिद, इन बातों से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। मतलूबा सामान, ये सब चीज़ें इसमें यहाँ लिखी हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो अगले पेज पर आ जाते हैं, अब है तजुर्बा नंबर 8। किसी मफाहम रिस्टोर के सिरों पर फवी फराक यानी पोटेंशियल डिफरेंस तब्दील करके उसकी खींच कर मज़ाहत मालूम करें। इसके मकासद आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, और ये तजुर्बा आप जो है अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा, बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किया है। यह आपके लिए बड़ी, ये समझ लीजिए सारी चीज़ें जो आपके लिए तैयार की जा रही हैं, इसका मेन मकसद जो है यही है कि आप तक ये सारी मालूम। उसके बाद तजर्बा नंबर 10, तनी हुई डोरी में से होकर आगे बढ़ने वाली प्लस की चाल मालूम करें। ये सब चीज़ उसमें आप लिख दें, क्या चाहिए, कैसे गुजरेगी, ये सब बातें, ठीक है। अगर इसमें से थोड़ा सा काट काट के भी लिख सकते हैं, यानी सारा ये स्विच आप बहुत टाइम लग जाए वरना आपको बनाने, काट काट के बीच बीच में से लिखते रहिएगा भर भर के। तजर्बा नंबर 11, दी हुई तरतीब वाले खाने के नमक का आबी महलूल तैयार कर, इसके लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तजुर्बा नंबर 12 है, आमेजों की अलेगी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, इसको आप उतार दे। और देखिए सारा उतारने की ज़रूरत नहीं, बीच बीच में जो जो आपको लगेगा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो उतार लीजिए। पिक्चर्स वगैरह बना लीजिएगा, प्रिंट, सॉरी प्रिंट निकलवा लीजिएगा, बनाने में तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा।
उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है। तजुर्बा नंबर 14 शुरू हो रहा है। हवा में आबी बुखारात की मौजूदगी की कैसे जांच करेंगे उसके बारे में आपको लिखते हैं। सब लिखा हुआ है इसमें भाई, सब लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ना और करना है। और हैरत इस बात की है कि हम आज तक उर्दू में कहीं नहीं मिला ये चीज़, कहीं मिल ही नहीं रही। बहुत तजुर्बा करा मैंने, मैंने कहा यार ये तो चीज़ हमें बनानी चाहिए बच्चों के लिए, आपके लिए, फिर मैंने तैयार करना शुरू कर। और इसके बाद ये यहाँ पूरा हो रहा है। यहाँ पे तजुर्बा नंबर 12, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मौजूदगी की जांच कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। और देखिए मैंने साइंस का जो एक और प्रैक्टिकल डाल रखा बना बना है, उसको भी आप देख सकते हैं कैसे अंजाम दिया गया, सब दे रखा मुशाहिदा कैसे किया, ये आपको नोट करते चलो। तजुर्बा नंबर 16, हवा में ऑक्सीजन की तकरीबाती फ़ीसद यानी अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज मालूम कर। ठीक है जी, आप पाउस कर करके और उसको स्टॉप कर करके आप देखते रहिए, लिखते रहिए। PDF का टाइम भी नहीं था, मैंने आपके लिए PDF बनाया था, बहुत बड़ी PDF बनती है। मैंने सोचा PDF से अच्छा है कि समझा भी दूँ थोड़ा सा। PH पेपर की मदद से किसी महरूम की तेजाबी असासी नोयत की जांच करना। तजुर्बा 18, PH पेपर की मदद से फ्रूट सब्जियों के रस को PH मालूम करना। ठीक है, 19वां तजुर्बा आ गया। दो तरह की सफ़ेद पाउडर में से वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडे को पहचान करना, इसमें आप ही सीख लें किस तरह करेंगे अगले पेज पे, सब बढ़िया से बना। तो बना दिया। अब तजुर्बा नंबर 20 है, मुख्तलिफ तरह की कीमियाई तामलात अंजाम दें। यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है। इसके बाद है तजुर्बा 21, खुर्दबीन के नीचे रखे हुए प्याज के छिलके का आर्जी स्टैंड माउथ टेम्परेरी स्टैंड माउथ तैयार करना, मुशाहिदात रखना। मकासदे हो रही है मुशाहिदात जो भी इसमें आप पाए अच्छे से करिए। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स की हैं, ये सब आप लगा दीजिएगा, बना दीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। ये मैंने आपके लिए बड़ी हिम्मत और मेहनत के साथ तैयार किया, कहने का मतलब ये है कि आप तक पहुँचाना है ना। इसमें बहुत बच्चे प्रैक्टिकल के लिए परेशान रहते हैं, उर्दू वाले ख़ास तौर से, उर्दू वालों को पता ही नहीं होता क्या है।
सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। देखिए असाइनमेंट अलग होते हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट तो ऑनलाइन जमा हो जाते हैं, हम भी जमा करते हैं ऑनलाइन वगैरह। तजुर्बा 21 का देखिए ना, इंसानी काल के खुलियों की आर्जी, इंस्ट्रूमेंट तैयार करना और दीन के नीचों ने देखना मुशायरा, हम भी तैयार करके जमा करवा देते हैं बच्चों के असाइनमेंट वगैरह। प्रैक्टिकल तो आपको खुद लेके जाना होता है, वहाँ पे आपसे इसके बारे में डिस्कस करते हैं टीचर, तो बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ लें, अपने जहाँ के टीचर से पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि तो अगर मैं पढ़ाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कुछ चैप्टर पढ़ा रखे हैं आप उनसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। तजुर्बा नंबर 22 है, मुस्तकिल स्लाइडों की मदद से मुख्तलिफ तरह की हैवानी और निबाती बाफ्तों की शक्ल बनाना और मुताला। निबाती बाफ्तों पैरान कायमा और स्क्रीन कायमा, हैवानाती बाफ्ते खून वगैरह और खुली वगैरह। तो ये आपके लिए मैं बड़ी खुशनुदी के साथ तैयार कर रहा हूँ, ये आप बहुत ज़्यादा इसे पसंद करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें, बीच बीच में कमेंट ज़रूर किया करें, उससे हमें जो है एक होप मिलती है, उम्मीद बढ़ती है हमारी कि आप लोग हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फिर हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए तैयार करते हैं, या आप जो है फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे थोड़ा सा इसे छोटा कर दूँगी कि एक फ़ोटो आपको लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके लिए तैयार किया है। अब तजुर्बा 23 है कि मीम नाफूस पसीर सेमी प्रैम्बल छिली के ज़रिए होने वाले वलवी अमल यानी प्रोसेस ऑफ ऑस्मेसिस का मुताला करें। मकासद इसके लिए रखते हैं, जिन बातों का इल्म आपको होना चाहिए वो यहाँ लिखी हुई है, मतलूबा सामान काफ़ी। इसमें देखिए कम से कम टाइम लगाने पे भी जो है इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है बनाते में, कि अगर मैं इसे पढ़ाऊँ ना, सही बता रहा हूँ, 5-6 घंटे की वीडियो बनेगी, पढ़ाते में ही मैं कम से कम चाह रहा था 10 मिनट की बन जाए बस, लेकिन फिर भी 10 मिनट से इसमें ऊपर ही हो। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, बढ़िया ही देखिए, पूरी स्क्रीन साइज़ लेके मैं चला रहा हूँ, अगर हल्क छोटा कर दूँगा ना फिर आप क्लिक भी जूम भी नहीं कर सकेंगे ना पढ़ सकते, इसी वजह से मैंने इसे ऐसे। अब भाई तजुर्बा नंबर 24 है, 30 तजुर्बे है ना असल में, सूरज की रोशनी में रहने वाली हरी पत्तियों में स्टॉच की मौजूदगी की जाँच करें। तो ये आप देख पढ़िए इसमें बढ़िया से और जाँच। इंशाल्लाह आपके लिए जो है सभी इसके क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, ताकि आप जो है उर्दू में क्वेश्चन पेपर जब चाहे पेपर में तो सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ समझा हुआ हो, है ना। इन बातों का 25 तजुर्बा, इन बातों का मुशाहिदा करना कि ज़ियाए तालीफ के अमल के दौरान ऑक्सीजन खारिज होती है, मतलब पढ़े। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और भाई 26वां तजुर्बा है। देखिए काफ़ी टाइम हो गया, ये साबित करना है कि तनफ्फुस के दौरान सी रोग बाहर निकलती है। उर्दू में साइंस जो है ना, हकीकत बताऊँ आपको, बड़ी हिम्मत का काम है साइंस उर्दू में पढ़ना, इंग्लिश ज़्यादा सही रहती है साइंस के साथ। चलिए उर्दू ले लिया आपने तो उर्दू में बनाई,
मैंने तो भाई बना दिया, कोई दो चार बच्चे उर्दू के हों जो साइंस से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे और आले से आला उनकी जो है नंबर आए। तजुर्बा नंबर 27 है, किसी रज़ाई नमूने में चिकनाई स्टेचू मौजूदगी की जा रही है। भाई हमारा तो यही है कि हम बनाते रहेंगे आपके लिए, रोज़ रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। हमारा यही काम है कि बच्चों को आगे बढ़ाएं, किसी तरह आगे बढ़ें, और जब आगे बढ़ जाएंगे तो जाहिर बात है हमारे लिए भी दुआ का इंतज़ाम हो जाएगा। तजुर्बा नंबर 27 है, दूध में मिलावटों और दाल में मेटानल हेलो यानी मेटानलो येलो की जांच की मौजूदगी पर। आपके लिए मैंने बड़ा दिल से तैयार कर रहा हूँ। अब अगले पे जो है टेबल है, अगले पे इसको टेबल टेबल कलरफुल है, कलरफुल बना लेना भाई। मिलावट क्या है सवाल आएगा इसमें, जिसके जवाब भाई जो सवाल होते हैं इसी को अगर आपने कर लिए पेपर तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में पत्ती के नमूनों इकट्ठे करके ज़राई मादे की असलाहत में आलूगी की सतह का तखमीना निकाल लगाना। 28वां तजुर्बा करो भाई, तजुर्बे पर मतलब के लिखो। ये आपके लिए तैयार हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बिना पढ़ने में इतना मिनट लग रहा है, मतलब ये पढ़ नहीं रहा। अगर मैं इन्हें पढ़ना शुरू कर दूँ तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है। और आप अब तैयार अभी अभी शुरू कर दें, एग्ज़ाम फ़ीस भर दी होगी आपने, बस आप बनाना शुरू कर दें प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से, ताकि आप जो है साइंस में अच्छे नंबर आज से पास करें। साइंस में करिए आप भी, सुफियान साहब आप भी, आपके लिए कोई स्पेशल बनाएं, वरना साइंस के लिए कहाँ भागे फिरते हो आप। जो है असाइनमेंट और प्रैक्टिकल भी बनवा सकते हैं हमसे, हमारा नंबर अवेलेबल है 9136183233, पेड है पर वो। क्योंकि भाई हम बनवाएंगे तो बंदा टाइम लगाएगा, कुछ तो चार्जेस लेगा, यहाँ से देख के आप खुद बना सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं। तो ये मैंने आपके लिए आखिरी है 30वां तैयार कर दिया है, दिल से आपके लिए तैयार है। पिक्चर्स आप नेट से ये क्लिक करके प्रिंट कलरफुल प्रिंट निकलवा दिया, ठीक है। साइंस सेंटर बताओ भाई कितना मतलब बना है। आपके लिए मैं धड़ा धड़ तैयार करा है, मैंने कहा यार चलो बुक मिल रही है तो बना ही दो, वरना इसकी बुक तो मिलती नहीं है भाई उर्दू में। तो बल्ला को मंजूर था ये आपके लिए तैयार कर, ये आखिरी दे दो इसका। अल्लाह तेरा शुक्रिया, पूरी हो गई आपकी प्रैक्टिकल की साइंस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप जो है इसे 212 इसे भाई बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, एडमिशन वगैरह भी कराते हैं हम, सब चीज़ें कराते हैं। तो कराना आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, शुक्रिया।